Amit Nerurkar, and I welcome you on for the subject of big data analytics. For computer, it is a compulsory subject. So big data analytics के लिए कुछ prerequisites है, and ये big data analytics specifically it is a focusing on the processing part of the big data generated. So the first question goes with, what do you mean by big data? Any textbook is needed? Is it a theoretical subject? No, it is not a theoretical subject. जब मैं बात कर रहा हूं अबाउट बिग डेटा एनालिटिक्स, दिस सब्जेक्ट इज एग्जैक्टली फोकसिंग अपॉन जो बहुत बड़े पैमाने पे जो डेटा जनरेट हो रहा है. तो डेटा जनरेट हो रहा है, दैट इज वॉल्यूम, बट द रेट एट विच इट इज गेटिंग जनरेटेड, दैट इज द वेलोसिटी, उसको प्रोसेस करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड टू अंडरगो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द एनालिटिक्स पार्ट, द प्रोसेसिंग पार्ट हैपेंस फॉर अ मैसिवली जनरेटेड डेटा. तो ये मैसिव जनरेशन ऑफ डेटा, ट्रस्ट मी, द लेटेस्ट एनालिसिस सेज दैट 2.1 मिलियन ट्वीट्स पर मिनट, 2.1 मिलियन ट्वीट्स पर मिनट, 4.5 मिलियन व्यूज पर मिनट ऑन अ यूट्यूब, 188 मिलियन मेल्स पर मिनट, 4 मिलियन पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड दैट टू, ये जो मैंने स्टेटस बताया, स्टैटिस्टिक बताया, इट इज ओनली ऑफ इंडिया. तो इमेजिन करो, सो बिग वॉल्यूम ऑफ डेटा विथ अ हाई वेलोसिटी, ये जो जनरेट हो रहा है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए अपने को किस तक का प्रोसेसिंग पावर लगेगा. And here we need a very good concept of distributed environment, distributed computing. So yeah, big data analytics, let me share the screen. Yeah, big data analytics, yeah, aaj ka research nahi hai dosto. Ye research aaj ka nahi hai. 1990 mein John Massey ne identify kar liya tha कि अभी जो जनरेट होने वाला है 2000 में, दैट विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, बिकॉज ऑलमोस्ट वी ऑल ऑफ अस आर मूविंग ऑन अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको भी पता है कि कितना फाइल पर मिनट जनरेट होता है. तो जैसे वहां पे यू कैन सी अ कोट, इफ द डेटा हैज एक्सपांडेड टू सच एन एक्सटेंट that now a single computing system is unable to store, process it, then we call this data as big data. So let me explain you the normal data versus the big data. Okay, give me a minute. Yeah, sorry. So normal data versus big data में exactly क्या difference है? तो normal data and big data अगर देखोगे, यहां पे ना जो data generate हो रहा है वो इस queue में जा रहा है, and from this queue it will be further going to PC for processing. अगर आप यहां पे देखोगे, this is my timeline. बहुत ही आराम आराम से डेटा जनरेट हुआ करता था, पर अभी the scenario, if I place it यहां पे,
इट इज कॉन्स्टेंटली डेटा इज जनरेटिंग. अल्टीमेटली जब डेटा इतना सारा जनरेट हो रहा है, क्या होगा पता है? ये मशीन अल्टीमेटली हो जाएगा ओवरलोडेड. जब ये मशीन ओवरलोडेड हो जाएगा, ये मशीन इज नॉट विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस लोड एंड अल्टीमेटली ये मशीन करेगा क्रैश. एंड व्हेन दिस मशीन इज गोइंग टू गेट क्रैश, जो कुछ भी इस क्यू में है will lead to DOS. And that DOS is denial of service. And hence, there is a need for handling such a massively created data. And iske liye, we need a kind of a architecture, and that architecture is called as बिग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम. अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है विथ अ ट्रेडिशनल सिंगल कोर सिस्टम, ये वाला, ये दोनों अप्रोच जो है ना, दिस आर माई ट्रेडिशनल अप्रोचेस. एंड विथ दिस ट्रेडिशनल अप्रोचेस क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू लीड टू अ इश्यू ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस. सो एज राइटली सेड बाय जॉन मैसी, देयर विल बी अ टाइम वेयर योर सिंगल कंप्यूटिंग डिवाइस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोसेस द डेटा. और वो सिंगल कंप्यूटिंग छोड़ो, मल्टी कंप्यूटिंग एनवायरमेंट भी यहां पर काम करने वाला नहीं है, यहां पर अपने को हेल्प करने वाला नहीं है. एंड हेंस ऐसा सब मैनेज करने के लिए मुझे एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट लगेगा. तो उस डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट का अगर मैं यहां पे रिप्रेजेंटेशन आपको बताऊं, तो हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क इज कॉन्स्टेंटली यहां पे ये डेटा जनरेट हो रहा है. आप देखो, कॉन्स्टेंटली this data is constantly getting generated and it is getting stored in a queue. Abhi ek level ke baad ye queue bhi to full ho jayega na, leading to a issue of a buffer overflow. Abhi ye jayega ek device ke paas, us device ka naam hai manager. Aur abhi ye manager kya karne wala hai, this manager will manage कि ये डेटा कैसे वी आर गोइंग टू प्रोसेस. तो अगर आप यहां पे देखोगे, दिस मैनेजर हैज अ कॉन्टैक्ट विथ अ मशीन M1, दिस मैनेजर हैज अ कॉन्टैक्ट विथ अ मशीन M2, दिस मैनेजर हैज अ कॉन्टैक्ट विथ अ मशीन M3, दिस मैनेजर हैज अ कॉन्टैक्ट विथ मशीन M4, दिस मैनेजर हैज अ कॉन्टैक्ट विथ मशीन M5, एंड सो ऑन. And guys, trust me, all these machines, what you see, that is from M1 to M5, are the distributed systems. Now, bologe, what do you mean by distributed system? They are not geographically at the same location. Yeah, alag alag location pe hai. And I have to completely take the help of a network. क्योंकि क्या होगा, मैं आपको बताता हूं, यहां से डेटा बाहर डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, मतलब कोई कुछ डेटा ये सॉल्व करेगा, कुछ डेटा ये सॉल्व करेगा, कुछ डेटा ये सॉल्व करेगा. तो क्या हो रहा है, आपका जो डेटा क्यू में है वो डेटा में फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहा हूं. पर फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करके काम होने वाला नहीं है. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी आपने भेज दिया, मतलब मैं एरोज देखो क्या कर रहा हूं, मैंने जो भी भेज दिया ये मशीन्स को, ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को, दिस एक्ट एज स्लेव्स एंड दिस एक्ट एज अ मास्टर.
तो दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू रिटर्न बैक विद द रिजल्ट, एंड जो भी रिजल्ट आपको मिला, जो भी रिजल्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना गाइज, दिस इज योर इनपुट क्यू. सिमिलरली देर विल बी अ क्यू एंड दैट विल बी अ आउटपुट क्यू. तो यहां से जो भी मैनेजर को, मास्टर को रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग क्यू में स्टोर किया जाता है. ठीक है, तो ये जा रहा है प्रोसेसिंग को, और प्रोसेसिंग के पास जाने के बाद वो प्रोसेस, वो जो इनपुट टास्क है, वो फर्दर हो रहा है डिवाइड. दैट इज कॉल्ड एज फोर्क ऑपरेशन, FORK. आपने OS में ये सुना रहेगा, फोर्किंग. और जब रिजल्ट आ रहा है, मैनेजर उसको मर्ज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइनिंग. और वो रिजल्ट दे रहा है इन अ क्यू कॉल्ड एज आउटपुट क्यू. और ये सब ऑपरेशन करने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम लगता है जिसमें बहुत ज्यादा रैम कैपेसिटी हो और प्रोसेसिंग कैपेसिटी हो. एंड इसीलिए एक आर्किटेक्चर बनाया है टू हैंडल दिस बिग डेटा, एंड दैट इज योर हडूप फाइल सिस्टम. दैट इज योर हडूप फाइल सिस्टम. तो अभी जो मैंने इंट्रोड्यूस किया आप सब लोगों को, डिड यू अंडरस्टैंड बिग डेटा मतलब क्या? बिग डेटा मतलब ऐसा बहुत बड़ा डेटा जो जनरेट हो रहा है मैसिवली हर सेकंड पे, उसको प्रोसेस कर, दैट इज कॉल्ड एज अ बिग डेटा. पर उसको प्रोसेस करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म लगेगा, दैट फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स. सो एम आई क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिग डेटा की जरूरत क्यों पड़ी, ओवरलोडिंग हुआ, क्रैश हुआ, डिनाइल ऑफ सर्विस हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? यस सर. ठीक है, आर यू श्योर अबाउट इट? ठीक है, देन जो मैंने आपको बताया कि ये ट्रेडिशनल सिस्टम को ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिड यू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो? यस. ठीक है, तो जरा जैसे मैंने आपको बोला, ये आपका बी का सब्जेक्ट है, एंड ये बी का सब्जेक्ट आई विल मेक श्योर एवरी डैम थिंग विल बी देयर इन योर नोटबुक. सो एवरीवन इन योर नोटबुक राइट डाउन इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा. इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा. इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा. राइट ऑन. सबसे पहले डेफिनेशन. बिग डेटा इज द टर्मिनोलॉजी. बिग डेटा इज द टर्मिनोलॉजी यूज टू डिस्क्राइब. Big data is the terminology used to describe massively generated data sets, massively generated data sets that are difficult to process and analyze, that are difficult to process and analyze in difficult to process and analyze in given time. In given time. In given time. ठीक है, अभी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वाला. ड्रॉ दिस डायग्राम फर्स्ट.
This is figure A and this is figure B. आंसर राइट ऑन एज शोन अबव इन फिगर वन एज शोन अबव इन फिगर वन द डेटा जनरेटेड इज वेरी लेस. The data generated is very less. But when the data is massively generated, as seen in second figure, when the data is massively generated, as seen in figure two, when the data is massively generated as in figure 2, the machines ultimately gets overloaded. The machines ultimately gets overloaded. And leads to crashing. Thus giving denial of service to all its client. Denial of service to all its client. एक लाइन छोड़ के लिखो. As rightly analyzed by John Massey. ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है. एज राइटली एनालाइज्ड बाय जॉन मैसी
In 1990s, ठीक है, ये चीज डबल कोट्स में लिखो, डबल कोट्स कंप्लीट, राइट डाउन। एंड फॉर सच बिग डेटा देयर इज अ नेसेसिटी फॉर हाई कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर. There is a necessity for high computing architecture. फिर लिखो एक लाइन छोड़ के, the big data analytics is working on the principle of distributed systems. For example, ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ो, और लिखो As shown above, there is a master-slave combination. Master-slave combination. Okay. Where manager distributes the data, on slave nodes geographically dislocated. Comma, this slave execute the task and returns to the manager. This slave executes the task and returns the result to the manager.
and returns the result to the manager, which is finally given to the client. ठीक है, अभी यहां पे ना एक क्वेश्चन है, ये डायग्राम बाद में ड्रॉ करो. देर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज कोहरेंट सिस्टम? किसी को पता है? कैन एनीवन अनम्यूट एंड आंसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहरेंट सिस्टम? एनीवन? ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है और ये मेरा मास्टर है. एक्चुअली देखने जाओगे तो ये सर्वर इज कनेक्टेड टू व्हाट? नेटवर्क, सेट ऑफ मशीन्स इन अ नेटवर्क. एंड दिस सेट ऑफ मशीन्स आर एक्टिंग एज व्हाट? M1, M2, M3, M4, they are acting as my slaves. But client के लिए who is the interface? Request जाएगा server के पास, reply आएगा server से. तो client से ये सब चीज छुपा रहेगा. तो client के लिए point of contact जो रहेगा ना, वो रहेगा server. तो server is giving a view to the client that मैं ही तेरा करता धरता हूं. But actually देखने जाओगे तो it is hiding the complexity. Such architecture is called as coherent system. So what is coherent system? ठीक है, hiding the fact that there are multiple nodes working on behalf of server. This is called as coherent system. Therefore, it appears or it is appearing to client as single system. This is called as coherent system. आप सबको समझा ना coherent system मतलब क्या? Everyone in the class? Yes, sir. Okay. So चलो ये complete करो पहले ये diagram.
सर जो डेटा मॅनेजर कडे चालला इनपुट ने तो आणि आउटपुट वाला वेगवेगळा असणार ना, इनपुटचा वेगळा आणि आउटपुटचा वेगळा. हो, ते दोन वेगळे क्यू आपण मेंटेन करतो. वी मेंटेन टू बफर्स. क्लायंट जो पण डेटा देतो प्रोसेसिंगला तो इनपुट क्यू मध्ये जातो आणि त्याचा जे पण आउटपुट आहे इट इज कमिंग अंडर इंडो आउटपुट क्यू. ओके सर. हा, लॉजिकली जर तू विचार केला, इफ यू थिंक, इट इज व्हेरी मच सिमिलर टू व्हॉट एक्झॅक्टली हॅपन्स इन अ ड्राईव्ह इन फॅसिलिटी ऑफ अ मॅकडी. ट्रस्ट मी, यू प्लेस एन ऑर्डर एट वन एंड अँड यू कलेक्ट एन युअर आउटपुट युअर पार्सल एट दी अनदर एंड. तो बीच में जो वो प्रोसेसिंग हो रहा है ना, वो इट इज एक्चुअली वो सिमिलर वे का प्रोसेसिंग है विच यू कैन मैप इट. यस. डन सर. अभी आप हेडिंग दो व्हाट इज कोहरेंट सिस्टम और ये लिख के ले लो. मार्क दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा. Done? No, sir. No, sir. Mark, this is important for Viva, coherent system. हेलो सर. बोल ना. तो सर्वर के उधर वो लाइन क्या प्रोजेक्ट, वो मतलब वो ग्रीन टाइप का, मतलब वो क्या दैट ग्रीन इंडिकेट्स क्लाइंट को पीछे का जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर वो दिख ही नहीं रहा. सो इट इज अ वर्चुअल वॉल. क्लाइंट को दिख रहा है सिर्फ सर्वर. क्लाइंट को सर्वर के पीछे का कॉम्प्लेक्सिटी दिख ही नहीं रहा. इट इज हिडन. सो फॉर क्लाइंट इट इज अपीयरिंग इट एज अ सिंगल कोहेरेंट सिस्टम. Am I clear? A hidden network. I didn't get you. वो hidden network है client के लिए. Hidden network. So client के लिए hidden network. Exactly. Okay, sir. Yeah. Tell me once you complete. Done, sir. Done, sir. Okay. तो अभी ना सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके वाइवा में, इंटरव्यू में, एग्जाम में एक टॉपिक आता ही है. एंड वो एग्जामिनेशन फियर बाजू में रखो यार. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो मत, बट फ्रॉम अ नॉलेज गेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड बी अवेयर ऑफ 5 V's, लॉजिकली 7 V's ऑफ बिग डेटा. 7 V's है, इसमें सिर्फ 5 दिख रहे और 2 में एड करूंगा. सबसे पहला वी है, इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम. इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम. देन वी हैव वेलोसिटी.
इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ डेटा जनरेटेड पर मिनट. मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्टैटिस्टिक्स दिया था, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी. ठीक है, देन वी हैव वैरायटी. टू मेक यू एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय वैरायटी, लेट मी कम बैक ओवर हियर. वैरायटी के लिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिग डेटा. तो जब मैं कहता हूं टाइप्स ऑफ बिग डेटा, बेसिकली तीन कैटेगरी होती है. पहला जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड, दूसरा जो नाम है अनस्ट्रक्चर्ड, एंड तीसरा जो नाम है सेमी स्ट्रक्चर्ड. आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड में क्या डिफरेंस है? चलो, आप सब लोगों ने आपके लोअर सेमेस्टर में एक डेटाबेस सुना रहेगा, RDBMS. सुना है ना, रिलेशनल डेटाबेस. भाई जो भी डेटा स्टोर होता है ना, वो एकदम इज्जत में ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में स्टोर होता है. इट इज वेरी मच सोफिस्टिकेटेड. बट आज के जमाने में ना भाई लोग, ये सिर्फ 5% जनरेट होता है, सिर्फ 5%. और इसको एक्सेस करने के लिए आपको पता है यू नीड SQL, बट द डेटा विच इज जनरेटेड इज 5%. ना कितने लोग मेरे को बताओ, अभी देर आर अराउंड 30 पीपल एक्सक्लूडिंग मी एंड वन एक्सपर्ट फ्रॉम द विद्यालंकर, देर आर 30 पीपल इन द क्लास राइट नाउ. इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, ट्विटर का एनालिसिस में आपको बताओ, ट्विटर का एनालिसिस कहता है कि अगर किसी ने ट्वीट किया और उसमें टेक्स्ट है, अगर किसी ने ट्वीट किया और उसमें इमेज है, तो वो इमेज वाले ट्वीट्स को, या उसमें वीडियो है वो वीडियो वाले ट्वीट्स को बहुत ज्यादा लाइक्स, रीट्वीट्स, कमेंट्स मिलते हैं. मतलब वो टेक्सुअल डेटा को वैल्यू ही नहीं है. चलो, आप सब लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया ही रहेगा, 100% किया रहेगा. चैट जीपीटी एक्सेलेंट है, नो डाउट, 100% एक्सेलेंट है. ठीक है, अभी चैट जीपीटी क्या कर रहा है पता है? इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन इमेज जनरेशन. मतलब लोगों को क्या चाहिए, लोगों को वो विजुअल इफेक्ट चाहिए, विजुअलाइजेशन चाहिए, कुछ दिखना चाहिए ग्राफिकली. सो वी आर नॉट बिलीविंग ऑन दिस स्ट्रक्चर्ड डेटा, वी आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ह्यूज अमाउंट. अगर मैं आपको बताऊं ह्यूज अमाउंट मतलब कितना, तो ह्यूज अमाउंट मतलब अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, दिस इज नॉन RDBMS. ये यूज करता है SQL, ये यूज करता है नो SQL, स्पेसिफिकली कॉल्ड एज MongoDB. इट इज फोकसिंग ऑन नो SQL. ठीक है, इसके अगर एग्जाम्पल में बताओ तो इमेज, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सब कुछ आ जाएगा. एंड अप्रोक्सीमेटली 80% आज इज द जनरेशन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड. आप बोलोगे सर सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब? तो चलो सेमी स्ट्रक्चर्ड में मैं आपको बताता हूं. ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है, और ये स्ट्रक्चर तुम ही मुझे बताओगे, जिसमें टू रहता है, सीसी रहता है, बीसीसी रहता है, सब्जेक्ट रहता है, और उसके बाद बॉडी रहता है. कैन यू टेल मी ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ईमेल की. परफेक्ट आंसर. जहां पे ये जो मैंने मार्क किया, ये आपको देना ही पड़ता है. पर कैन आई से यहां पे आपको एक अलग लेवल का ही फ्रीडम मिलता है? यस. आप मेल टाइप करो,
आप मेल कॉपी करो, आप इमेज अटैच करो, आप वीडियो अटैच करो, आप कोई फाइल अटैच करो, यू हैव राइट टू यूज वॉट एवर यू वॉन्ट. सो द फर्स्ट पार्ट मार्क्ड इन येलो इज स्ट्रक्चर्ड, बट द पार्ट विच इज इन अ बॉडी इज अनस्ट्रक्चर्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड, एंड दैट द एग्जाम्पल इज योर ईमेल. And around 15% of the data what you generate today is semi-structured. Because official reasons ke liye we are still focusing on emails. No one is trusting on phone calls, on the recordings, or even on WhatsApp or messages. They are only focusing when you have a valid email from your registered email address. So I come back to 7 V's of big data. So I was on variety. So variety is nothing but type of big data. Variety ke baad, agar aap focus karoge variety ke baad, main baat kar raha hoon about value. That is sometimes also called as validity. आप बोलोगे इसका मतलब क्या है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने कभी ना कभी टेक्स्ट बॉक्स में नंबर एंटर किया रहेगा, आपका मोबाइल नंबर, आपको एक 10-digit नंबर डालना पड़ता है. चलो, why talking about any text box? आज सब लोगों ने अपने जो जूम का रजिस्ट्रेशन किया उसमें आपने आपका नंबर दिया रहेगा, बराबर? Yes, sir. वहां पे अल्फाबेट डाला तो एरर देता है ना? Yeah. बराबर. आजकल देयर इज अ न्यू मेथड कि इफ यू एंटर अ नंबर मोर देन 10 digit तो भी वो एरर देता है. Yes, sir. बराबर. पर मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, आपने वो जो नंबर डाला वहां पे, क्या गारंटी है कि वो डेटा वैलिड है? I may put my friend's number over there. I may put 012345 over there. So the next challenge for big data is, भाई जो data डाला है, जो value डाला है, उस question के लिए how valid it is. That is called as value or validity. उसके बाद we come to veracity. Now, veracity में, चलो अभी veracity handle करने के लिए we have that verification tool. But veracity में, enter 10 digit, enter your name. अगर ये बोला enter your name, if you write, say my name is Amit, I can also write AM1T and it won't give me an error. Because that one will be categorized under a string and a string data type accepts a number as well as an alphabet. So variety says that how confident you are ki whatever data is entered makes a meaning. Ab bologe sir, oh, value matlab validity and veracity mein kya difference hai? Validity mein ye hai ki bhai at least tumne 10 digit number to dala hai. इधर कहानी यह है कि आपने वो नाम भी अल्फा न्यूमेरिक डाला हुआ है. सो चलो, अगर आपको 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला और आपने डाला ABCDE12345, चलो ठीक है, आई हैव टूडे दैट वेरिफिकेशन कि भाई नंबर में डिजिट नहीं हो सकते, सॉरी अल्फाबेट्स नहीं हो सकते. अरे बट नो वन कैन चैलेंज अल्फाबेट्स में स्ट्रिंग डिक्लेयर किया डेटा टाइप और तुम बोल सकते हो कि नंबर नहीं हो सकते. चलो ये तो आपको पिक्चर में जो दिख रहा है 5 दिख रहा है, बट मैंने जैसे आपको बोला देर आर नो 5, देर आर 7. ठीक है, नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वराइबिलिटी एंड वोलेटिलिटी. वराइबिलिटी एंड वोलेटिलिटी. चलो मैं आपको एक बात बताता हूं. आप सबको एक बात पता रहेगा
अबाउट द लास्ट आईपीएल. लास्ट आईपीएल में व्हाट वाज मोस्ट सर्क्यूलेटेड न्यूज विथ रिस्पेक्ट टू सीएसके? अभी लास्ट जो आईपीएल हुआ उसमें बहुत बड़ी न्यूज कौन सी थी विद रिस्पेक्ट टू सीएसके? धोनी रिटायर हो रहे हैं. एग्जैक्टली, परफेक्ट. धोनी रिटायर हो रहा है. तो मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपको आज आके आंसर देता हूं, धोनी ने कहा है कि शायद वो नेक्स्ट आईपीएल खेलेगा, डोंट यू थिंक तुम मुझे एड़े में गिनती करोगे? क्यों तुम मुझे एड़े में गिनती करोगे? अरे ये न्यूज को जमाना हो चुका है. सो दैट इज कॉल्ड एज वोलेटिलिटी. मैं वो, अरे वो धोनी दो, मैं आईपीएल के बारे में छोड़ो, मैं आपको अभी आज की रिसेंट बात बताता हूं. ठीक है, आज व्हेन वी ऑल फैकल्टीज वर सिटिंग, वन ऑफ द फैकल्टीज ही केम, वी वर इन अ कैंटीन, ही केम, अरे सर ये देखो क्या दिखा रहा है, खोपोली में ना बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है. वो आज न्यूज पे बता रहा है. तो मैंने बोला अरे भाई ये आज की न्यूज नहीं है सर, देखो ना अपने गूगल न्यूज पे है. मैं बोला जब तू गूगल न्यूज देखता है ना तो नीचे देख, उसमें था द न्यूज वॉज 18 hours ago. So what I'm trying to tell you out of this is volatility. अगर data generate हुआ आज तो आपको पता है ना, you should immediately get the data. We are in 2023. We are not dependent on Zee News and ABP Maza and IBM Lokmat today. We are not dependent on BBC. We are not dependent on NDTV. Whatever happens, can I say we get instantly through some media, अपने को मिल जाता है. Facebook हो, Insta, Twitter, कुछ भी हो, we immediately get that information. And many a time it happens that we already have that information and when we see on the news channel, अरे ये तो पता है, चलो आगे चलो. ये होता है कि नहीं होता है? Yes. Yes, this is called as volatility. And volatility मतलब क्या? आजकल लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ. Trust me, I'll tell you. Recently, in one of the that inauguration functions of Vande Bharat, ये सब चैनल वाले क्या करते हैं? लाइव चैनल ये रिकॉर्डिंग वेकॉर्डिंग करके ना प्रोसेसिंग के लिए देते हैं लोगो वोगो लगाने के लिए अपने चैनल का, और अपने चैनल पे यूट्यूब पे आने के लिए जितना समय उनको लगता है उसके पहले दोस्तों ऑलरेडी किसी ना किसी ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया होता है, किसी ना किसी ने ग्रुप में वो वायरल कर दिया होता है, और वो इंफॉर्मेशन वहां आने के पहले ही अपने को पता होता है. So that is the biggest challenge in big data called as volatility. And last but not the least, variability. Now, variability ka matlab kya hai? The meaning of the data keeps changing. Now you tell me, when I draw this plus and I draw this plus when you are in a mathematics class, can you tell me इसका क्या मतलब रहेगा? Addition. But at the same time, when you go somewhere जहां पे medical facility है and you see this red plus, what it indicates? It indicates it is a medical facility. So that plus has a different meaning at different instances. Programming language में इसको हम लोग कहते हैं polymorphism. क्या कहते हैं हम लोग? वी कॉल इट एज पॉलीमॉर्फिज्म. व्हेन आई से जस्ट आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. व्हेन आई से स्टूडेंट्स आर ड्राउनिंग व्हाइल लर्निंग द स्विमिंग, स्टूडेंट्स आर ड्राउनिंग
बिकॉज देर आर लॉट मेनी असाइनमेंट्स. दोनों केस में मैंने एक वर्ड यूज किया है, दैट वर्ड इज वॉट, ड्राउनिंग. पहले केस ड्राउनिंग इज इंडिकेटिंग वॉट, लिटरल सेंस में डूबना. बट सेकेंड स्टेटमेंट में ड्रॉनिंग इज यूज एज अ मेटाफर. तो मेटाफर मतलब वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, दे आर अंडर प्रेशर एंड दे आर ड्रॉनिंग ड्यू टू प्रेशर बिकॉज बहुत सारा असाइनमेंट है उनके पास. तो ये ड्रॉनिंग विल मेक सेंस वेन यू ओनली रीड द एंटायर वर्ड. सो जब कोई भी समरी क्रिएट करते हो ना, तो ये एक्चुअल जब ऐसा वर्ड आता है तो उसके आजू बाजू का सेंटेंस समझना पड़ता है टू अंडरस्टैंड उधर ड्रॉनिंग का क्या पर्सपेक्टिव है. ठीक है, बहुत सारे लोग महाराष्ट्रियन हो सकते हैं. अभी मैं अगर आपको एक पूछूं, उसका मुझे कोई मतलब बता पाएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पुरावा? प्रूफ बराबर. तो बहुत लोगों ने क्या बोला कि पुरावा इज अ प्रूफ, बट पुरावा का और एक मीनिंग भी निकलता है. मराठी में पुरावा का और एक मीनिंग निकलता है, किसी को पता है? बरी करते हैं ना, बरी जमीन के अंदर. तो ये जब वर्ड पुरावा आएगा ना, वी हैव टू लिटरली अंडरस्टैंड वेदर दैट पुरावा इज मैपिंग टू अ प्रूफ और वो पुरावा इज मैपिंग फॉर बरिंग डाउन. सो दिस 7 वीज ऑफ बिग डेटा प्लेज अ मेजर रोल टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट डेटा इज. So am I clear with the 7 V's of big data? Yes sir. तुमने heading क्या दिया अभी? कुछ भी नहीं सर, coherent लिख के छोड़ दिया. हाँ, तो पहले ये heading दो, types of big data. Types of big data. Mark this as very important for your viva. और ये लिख के ले रहो.
उधर मैंने लिखा है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. Done? Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay. Abhi heading though, 7 V's of big data. 7 V's of big data. Mark this as very, 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 very important. 7 V's of big data. Seven V's of big data. Number one, volume. It refers to the amount of data generated from different sources. Amount of data generated from different sources. Example, number of tweets, number of post on social media. Second is velocity. Amount of data generated per second, or amount of data generated in a given time frame. For example, millions of tweets per minute. Millions of tweets per minute. Third, variety. It defines type of data generated. Example structured, semi-structured, unstructured. Next, validity/value. It defines how correct the information is provided.
how correct the information is provided. How correct the information is provided. लिखो एग्जाम्पल. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इज एंटर्ड फॉर टेन डिजिट मोबाइल नंबर. ठीक है, उसके बाद वेरासिटी. इट डिफाइंस अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी फाउंड इन अ डेटा. Example, A1, B2, C3 entered for a name. A1, B2, C3 is entered as name. सर वेरासिटी म्हणजे डेटा आहे तो फॉर्मॅट, जो फॉर्मॅट दिला त्या फॉर्मॅट दिलाय, पण करेक्ट नाहीये तो डेटा. तो डेटा करेक्ट आहे का करेक्ट नाहीये, देर इज अ पॉसिबिलिटी कोणाचं नाव असं असू शकतं. येस सर. सो देर इज अ अनसर्टनटी, इट्स फजी की आय डोंट नो की तो डेटा करेक्ट आहे का नॉट करेक्ट आहे. बट वेन आय एम टॉकिंग अबाउट द व्हॅल्यू, आय एम टॉकिंग अबाउट की तिकडे व्हॅल्यू सेंटर केली आहे, असं नाही की इट इज अन अल्फा न्यूमरिक, बट आय कॅनॉट ट्रस्ट की ती जी व्हॅल्यू टाकली आहे दॅट व्हॅल्यू इज करेक्ट ऑर नॉट. सो दिस बोथ आर गोइंग हँड इन हँड बट हॅज अ थिन लाईन डिफरन्स. ओके सर. नेक्स्ट राईट ऑन व्हेरायबिलिटी. Variability. Variability. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि एवरी दैट वर्ड हैज अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, सो यू हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट विच सेज. तो वो एक स्टेटमेंट है ना, मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल वापस, वो मराठी वाला एग्जाम्पल है कि हत्ती मेला ह्याला पुरावा काय. सो देर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क वेदर आय एम आस्किंग दॅट एलिफंट इज डेड, इज देर एनी एव्हिडन्स, ऑर द एलिफंट इज डेड वी नीड टू बरी इट. सो आय विल ओनली बी एबल टू अंडरस्टँड दिस स्टेटमेंट जब मी उसका अगला पिछला पडूंगा. If I only read this statement, I am entirely confused. So there is wide variety of meanings generated. So write down. It refers to way the meaning of the data keeps changing. It refers to the way meaning of the data keeps changing. It refers to the way meaning of the data keeps changing. Meaning of the data keeps changing.
एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दे रहा हूं एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू. हियर ड्रॉनिंग का मतलब अलग है, इधर ड्रॉनिंग का मतलब अलग है. इधर ड्रॉनिंग का एक्चुअल मतलब है डूब रहा है भाई. नया सीख रहा है तो उसको टाइम लगेगा एक्वेंट होने के लिए. तो जब नया सीखना चालू किया वो डूब रहा है. बट यहाँ पे इट इज नॉट द लिटरल मीनिंग डूब रहा है. ही इज अंडर प्रेशर, लॉट ऑफ प्रेशर. तो आई एम यूजिंग दिस ड्रॉनिंग एज एन मेटाफर. सो राइट ऑन एग्जाम्पल वन एंड एग्जाम्पल टू. Done? Yes. Last is volatility. Sorry. Volatility. This refers to how fast the data which is generated will expire. How fast the data which is generated will expire. Example, posting an important headline in real time. Can you repeat? Posting an important headline in real time. Done, sir. Done. Okay. तो अभी since मतलब मुझे अभी ये सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करना था आज के लेक्चर में. बट इफ आई टॉक अबाउट आर नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी स्टार्टिंग विद अ हडूप फ्रेमवर्क, बिग डेटा फ्रेमवर्क. वो बिग डेटा फ्रेमवर्क में वी आर एक्चुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड हडूप आर्किटेक्चर क्या है, HDFS क्या है, YAN क्या है, how exactly name node, data node काम करता है, how exactly the data is getting forked, the data is getting distributed, the result is getting merged together, how the data is presented back to the outside world. ये सब हम processing वाला part next week में देखने वाले हैं. And अगर आप पूरा syllabus देखोगे तो इसमें बहुत सारे conceptual algorithms हैं, ठीक है. And last में तो कंप्यूटर वालों के लिए देयर इज अ न्यू चैप्टर व्हिच टॉक्स अबाउट आर प्रोग्रामिंग.
पूरा का पूरा नया चैप्टर है. सो आर कंसेप्ट ऑफ आर प्रोग्रामिंग विल बी इंट्रोड्यूस इन चैप्टर नंबर 6 विथ सम प्रोग्राम्स. तो आई होप आप सब लोगों को आज का लेक्चर समझा अच्छे से एवरीवन. यस सर. यस सर. कुछ भी डाउट? एनी डाउट विद टुडेज लेक्चर? नो सर. ठीक है. तो आई होप टू सी ईच एंड एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स. तो नेक्स्ट लेक्चर एज पर शेड्यूल वील मीट नेक्स्ट फ्राइडे एट 6:30 एंड वी विल स्टार्ट विथ द हडूप फ्रेमवर्क. आज का लेक्चर समझा ना? अ क्विक ओवरव्यू हाउ अ ट्रेडिशनल सिस्टम इज मैप टू अ बिग डेटा, मतलब योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. ठीक है. देन वी हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ डेटा, बिग डेटा एज वेल एज द 7 V's. तो अगर किसी को डाउट नहीं है, you people can leave. We will meet as per our schedule on next Friday. Till then, take care and thank you so much. I'll be the last person to leave. Doubt रहेगा, clear करके निकलो. Sir, numerical आहेत का? Numerical आहेत. Okay, sir. Hello, sir. Yes. Sir, will there be like case studies in this subject? There are a few case studies in this subject. There are. Okay. So, sir, how to map those case studies and how to, like, if exam... That will be solving. That will be solving in the lectures. Okay, sir. Thank you. Most welcome, Anushree. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. You. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Shika. Thank you. Hello, sir. Yes, tell me. Doubt? Bolna. Volatility. I'll explain you volatility again. Volatility का concept ये है. मुझे एक बात बताओ, if I tell you Sachin Tendulkar has retired from cricket, will you be surprised? No, sir. Because data generated and data is known to everyone. There was a heavy rainfall in Mumbai on Thursday. Will you be surprised? No. But if you say at 7:45 some XYZ thing happened, and if you report that immediately, it is fine. But ye agar aapko koi means se already pata chal chuka hai, you are least bothered to watch that news. That is called as volatility. Okay. Clear? Yes. Yes, बाकी किसी को कुछ डाउट? अदिति, अनन्या, जॉन, रोहन, तनय, तन्मय? नो सर. Shall we conclude with today's lecture then? Yes, sir. चलो एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू. कौन है विद्यालंकर मधु? यस सर. मैडम, वी कैन कंक्लूड, थैंक यू. बाय सर. बाय मैडम, गुड नाइट एवरीवन.